दोस्तों आज इस वीडियो में हम होंडा साइन का टॉप स्पीड देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये होंडा साइन शो है, ठीक है, जिसमें आपके चार गियर शिफ्ट होंगे जैसा कि अभी हम देखने वाले हैं। गियर पैटर्न इसका बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपका इसका गियर पैटर्न रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो मैं हूँ अभी हाईवे पर, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये मैक्सिमम 80 को टच करती है, उससे आगे नहीं जा पाती, और 80 में भी पूरा गाड़ी ऐसे हिलने लग जाता है कि वो, यह बहुत ज़्यादा हल्की है, हल्की भी है, इसके टायर भी पतले हैं, तो इसकी वजह से ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर तक ही जा पाती है। उसमें भी आपका इसका बैलेंस की यदि बात करूँ कि ये स्मूथ कब तक रहेगी, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक स्मूथ रहेगी, उसके बाद 70-80 में खूब वाइब्रेट करेगी कि हम ऐसा चलाएंगे तो खुद को ऐसे महसूस होगा कि कहीं गाड़ी अनकंट्रोल ना हो जाए ऐसे, मतलब ठीक है समझ गए। तो ये जो गाड़ी है वो मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए ही मैं मानता हूँ बनाई गई है, और स्मूथ राइडिंग के लिए 40 से 50 किलोमीटर पर आवर हम मान सकते हैं कि उसमें ये हमारी गाड़ी ठीक चलती है। उससे जैसे हम ज़्यादा स्पीड करेंगे तो फिर गाड़ी वाइब्रेट भी करती है, और इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल रद्दी है, ठीक है, यानी ब्रेकिंग सिस्टम इनका बिल्कुल हम ऐसे मान सकते हैं कि बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का नहीं मिलता है, जैसे कि आपको स्प्लेंडर में मिलता है, ठीक है। स्प्लेंडर की टॉप स्पीड कितने की होती है, तो उसको मैंने चेक किया था, जो मेरे पास स्प्लेंडर गाड़ी थी उसका 90 तक जाता है, और कुछ में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही वो चली जाती है, ठीक है। तो फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।